थपकी थपकी प्यार की। वो हमने सोचा तुम्हें खांसी आ रही तो हम थोड़ी मदद कर दें, लेकिन ये तो बिहान कर लो, मुझे जितना भी परेशान करना है, लेकिन ये बात सुन लो, मैं चाइनीज बना के रहूंगी। गजब, अब जब हम मदद करने आ रहे तब भी हमें गालियां मिल रही, हमें तो लगता है भगवान ने तुम्हें ही चाइनीज बना के भेजा, हमेशा फ्यूज उड़ा ही रहता है। बस एक बात बताओ, तुम इतनी बकवास कैसे कर लेते हो? अच्छा तुम एक बात बताओ कि तुम इतनी सर्कस कैसे कर लेती हो? पीछे हटो। क्या? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। अब ये क्या है? जब तक मेरा खाना पूरा बन नहीं जाता तब तक तुम इस सर्कल के अंदर कदम भी मत रखना। प्लीज। अच्छा लक्ष्मण रेखा, तो तुम भी एक काम करो, जब तक ये खाना ना बने इस रेखा के बाल मत आना। प्लीज। ठीक है। मंगेतर उसका क्या होगा? हट! अरे यार यार, कहाँ तुमने उस मोटी का नाम ले लिया, मेरा पूरा रोमांटिक मूड गई। मैं उस हिप्पो से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा हूँ। हिप्पो, अब इतना सबूत तो काफी है ना, निम्मी आंटी को सारा सच बता दे। मैं पापा को फोन करती हूँ। पापा आप बस कल निम्मी आंटी और उनके परिवार को खाने पे बुलाना और उन्हें कहना कि दिवाकर की फैमिली को भी साथ ले आए, मैं उन सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। पापा आप चिंता मत करो, इस बार जीत हमारी होगी। उन्हें कह देना कि हम माफी मांग के एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, आप बस उन्हें खाने पे बुला लो। पापा आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है पापा, मैं रखती हूँ। अरे थपकी, हमने ना पूरा बाजार देख लिया, कहीं भी हमको माचिस नहीं मिली। कहा है ना आज बाजार बंद है। हमने सब जगह देखा पर नहीं मिली। भाभी कोई बात नहीं, देखिए मेरा तो चाइनीज बन के तैयार भी हो गया है। आइए। अच्छा मैं आपको तेज कराती हूँ। भाभी देखिए टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। हेलो भाभी बताइए ना कैसा बना है। वाओ ऑसम, इसमें तो इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तुम भी अच्छा ही बना लेती हो हम लोगों की तरह। भाभी आप तब तक ये खाइए, बस मेरा ना किमची सैलेड बनना बाकी है और सब तो मैंने बना दिया। मैं एक काम करती हूँ, अंदर से जाके पत्ता गोभी ले आती हूँ, ठीक है? आप यहीं रुकिएगा। थपकी सुनो, ये गोला काहे बनाया है?
भाभी वो मैंने ये सर्कल बिहान को चूल्हे से दूर रखने के लिए बनाया था। अच्छा भाभी मैं पत्ता को भी जल्दी से लेकर आती हूँ। हाँ चुटकी, थपकी ने तो चाइनीज बना भी लिया और वो भी एकदम ऑसम वाला। अब तो वो डायमंड रिंग हमारे हाथ से गई समझो। चुटकी मुझे ना एक आइडिया है। हाँ मैं ना इसका चाइनीज बिगाड़ दूंगी। इसमें इतनी मिर्ची डालूंगी कि तू बस देखती जा। पागल हो गई हो क्या? बहुत ही बुढ़बक को तुम छोड़ो। अभी बोला कि उसका चाइनीज बहुत ही बढ़िया बना। क्या बोल रही थी? असम असम। अभी अचानक वो आके देखेगी कि तुमने इतनी सारी मिर्ची कहाँ से आ गई। तू तो कसक नहीं होगा? कुछ करना चुटकी। हाँ सोच रहे ना। हम एक खाना खराब नहीं कर सकते पर एक खाना खत्म तो कर सकते हैं ना। अरे तू स्टूपिड है। माना कि ये चाइनीज एकदम औसम बना है पर हम दोनों अकेले इसको कैसे खाएंगे? अरे हम नहीं खाएंगे पर कोई और तो खा सकता है। देखो हम अभी कुछ करते हैं। बच्चों अभी देखो अभी बिहान देवर जी आएंगे ना उसके बाद मजा देखना। हाँ अब आपने बुरा किया है तो बुरा तो लगेगा ही ना। अगर आप हमारे दामाद पे रॉन्ग फ्लेम लगाओगे तो कैसा लगेगा हमें? मम्मी जी फ्लेम नहीं ब्लेम। हाँ पुत्र जी वही। इसीलिए तो आप सबको बुलाया आंटी जी ताकि आप लोगों को भी आपके होने वाले दामाद की सच्चाई पता चल जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके सामने दिवाकर की असलियत होगी। उसका असली चेहरा। सगाई होने के बावजूद भी किसी दूसरी लड़की के साथ न जाने क्या क्या कर रहा है। और मेरे पास इस वीडियो में उसका सबूत है। ईश्वर से एक ही बात कहूंगा कि अगर गलती से भी मैंने किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मेरी आंखें फूट जाए। अदिति पुत्र आज जो तूने मुझे दिखाया ना इससे मेरे हार्ट में मेरे दिवाकर पुत्र के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। ये
कैसे हो गया? अरे बाकी हम सब उसको समझा देंगे, ठीक है? बस तुम ये करना कि उसके पास जाके उसको बोल देना कि हमने जो बोला है वो काम हो जाए टाइम। चुटकी, क्या ऑसम ब्रेन है तेरा। वैसे ये आइडिया मुझे भी आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा ना तुझे ही चांस दे दूं। आधा घंटा बचा है सबको आने में। अब इतनी देर में ना सबके के फरिश्ते भी चाइनीज नहीं बना सकते। अब वो डायमंड रिंग हमारी। चल चल चलिए अंदर आ। ये क्या बदतमीजी? और ये जो तुमने किया वो क्या है बिहार? मेरा बनाया हुआ खाना तुमने पूरा गुलाबों को खिला दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि इस सर्कल के अंदर मत आना। लेकिन हम कहाँ है सर्कल के अंदर? हमने तो उसे वही पतीला दिया जो लाइन के बाहर था। गलती तुम्हारी है, तुमने हमारा पतीला अंदर और तुम्हारा पतीला बाहर क्यों रखा? बस करो बिहार, और कितना झूठ बोलोगे तुम? पहले तुमने गैस खाली कर दी, इंडक्शन के तार भी काट दिए। जब मैंने इतनी मुश्किल से खाना बनाया उसे तुमने पूरा पूरा बिगाड़ दिया। देखो तुम। बस बिहान, मैं जानती हूँ सुबह से तुम चाहते थे कि मैं ये चाइनीज ना बना पाऊँ, और अगर तुम्हें दुश्मनी निकालनी थी कम से कम ये तो सोच लेते कि मैंने ये खाना अपने लिए नहीं दादी माँ की खुशी के लिए बनाया था। देखो तुम गलत। बस एक बात याद रखना कि मैं हार नहीं मानूंगी बिहान पांडे, फिर से खाना बनाऊंगी। जितनी कोशिशें करना चाहते हो कर लो, मुझे रोकने। अरे ये तो सब्जियां खत्म हो गई हैं। मैं बाजार से जाके ले आती हूँ। अरे भाई क्या हुआ? अभी भी तो फोन पे बात किए थे, इतनी जल्दी बुला लिए सब खेरी। अरे यार पानी बैठे बैठा एक आफत आ गया। का हुआ का? अरे वो जो सबकी है ना, हाँ उसने दादी माँ के लिए कुछ चाइनीज नूडल वूडल कुछ बनाया था, ठीक है? हमने वो सब गुलाबों को खिला दिया। कभी क्या कह रहे हो भाई, गुलाबों की तो लौटने लगे हो ना, कहा चारे से सीधा चाइनीज दवा। सॉरी भाई, आप ये बताइए तकलीफ क्या हुई है? अरे वो अपने खुद के लिए बनाती तो हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन इस बार उसने वो दादी माँ के लिए और घर वालों के लिए बनाया था, वो भी बड़ी मेहनत से। अरे भाई आप काहे चिंता रहे, इतने प्यारे हैं आप, बस ये बताइए हमें क्या करना है। वही बताने के लिए बुलाया भैया जी, टमाटर शिमला मिर्च पत्ता गोभी बीन्स और ये भैया जल्दी से एक एक किलो कर दो भैया, जल्दी करो। अरे पान कहाँ रह गए, कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? अरे भाई फोन का बिल क्यों बढ़ा रहे हो, लाइव बात करते हैं ना, ये देखिए जो काम बोला था हुआ। आपके कहते हुए नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ है? ये देखिए, ओए चलो सामान रखो फटाफट, ये देखिए सब आपके सामने, तो खोल के दिखाओ जल्दी। शकल क्या देख रहे हो, दिखाओ भाई को।
ये किसे पकड़ ले? ये भाई चाइनीज बनाने की सामग्री मंगाई थी आपने, तो अक्कल लगाई हमने। चाइनीज बनाने वाला भी तो चाहिए होगा ना हमको, आपको तो आता नहीं है। तो ले आए फाइव स्टार होटल का रसोईया, एकदम कड़क चाइनीज बनाता है। बनाता है कि नहीं चाउमीन? जी 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 भाई। भैया जी चार पैकेट नूडल्स दो। नूडल बनाने हैं तुमको, और वो भी इतने मजेदार, सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाए, वरना तुम जमीन चाटोगे। जी 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 भाई। एक एक बोतल विनेगर, चिली सॉस और सोया सॉस भी दे दो। चिली सॉस का तड़का लगाना चाइनीज बना सकता हूँ भाई, लेकिन उसके बाद जा सकता हूँ ना? सिर्फ 30 मिनट है तुम्हारे पास। अगर 30 मिनट में तुम्हारा चाइनीज तैयार नहीं हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे तो सही, लेकिन एच फॉर तुम्हारे होटल के लिए नहीं, एच फॉर हॉस्पिटल के लिए। मुझे तो सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वो कैमरास हमने खुद फिक्स किए थे, मैंने तुम्हें वो वीडियो भी दिखाया ना, वो क्लिप इसी लैपटॉप में सेव की थी। कैसा अजीब ब्लैक मैजिक है। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दीदी। एक मौका, सिर्फ एक मौका था हमारे पास दिवाकर की असलियत सबके सामने लाने का, और अब वो मौका भी हाथ से चला गया। क्यों बोलती बंद हो गई ना मिस यारा उर्फ अदिति? माय बाबू, माय जानू, माय गुपु गुपु गुपु, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ये विग पहन के एक बार बोलो ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब समझ में आया कि ये ब्लैक मैजिक किसने किया? अरे भैया मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन मैंने होटल में छुपा हुआ कैमरा देखा। उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम और तुम्हारा ये हैंडसम सा दोस्त मुझे बकरा बनाना चाहते हो और निम्मी आंटी के सामने मेरी पोल खोलना चाहते हो। पर मैंने थोड़ी सी यहाँ वहाँ जांच पड़ताल की और मेरे एक दोस्त की मदद से तुम्हारे लैपटॉप को हैक कर दिया, और तुम, तेरी तो मैं अच्छे से बैंड बजाऊंगा, बस सही टाइम आने दे बेटा। हारी बाजी को जीतना मुझे आता है। हाँ लगता बहुत बढ़िया बना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बहुत अच्छी है। एक चाइनीज कैसे बन गया? अरे छुटकी मैं भी तो वही सोच रही हूँ, अब तो वो डायमंड रिंग हमारे हाथ से ही गई। दादी मां, अरे थपकी बेटा तू खाना बनाकर कहां चली गई थी? इधर आ मेरे पास। बिहान ने बताया कि तुमने बड़ी मुश्किल से चाइनीज बनाया। हाँ
आओ, सब मिलकर तुम्हारे हाथ का बना चाइनीज खाते हैं।